श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 70 2.70 श्लोक सीखना है अर्थात उच्चारण। आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्त कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति माप्नोति न काम कामी। आपूर्यमानम नित्य परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठम दृढ़ता पूर्वक स्थिर समुद्रम समुद्र में आपह नदियों प्रविशन्ति प्रवेश करती है यद्वत जिस प्रकार तद्वत उसी प्रकार कामाह इच्छाएं यम जिसमें प्रविशन्ति प्रवेश करती हैं सर्वे सभी सह वह व्यक्ति शांतिम शांति आपनोति प्राप्त करता है न नहीं काम कामी इच्छाओं को पूरा करने का इच्छुक। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो यहाँ जो शब्द हैं देखिए, पहला लाइन का आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम, तीन शब्दों का संधि, आपूर्यमानम और अचल प्रतिष्ठम, तो इसको हम विच्छेद कर देंगे। आपूर्यमानम अलग हो जाएगा, अचल प्रतिष्ठम अलग हो जाएगा। ये भागवतम की तरह का श्लोक है, चार लाइन वाला। फिर दूसरा लाइन जो है समुद्र मापा वैसे ही बोलना है, प्रविशन्ति यद्वत वैसे ही बोलना है, तद्वत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे ये भी वैसे ही बोलना है, यानी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। लास्ट लाइन में स शांतिम आपनोति, शांति मापनोति इसको विच्छेद कर देंगे। शांति मापनोति दो शब्दों से मिलके बना है, एक शांति और एक शांतिम और एक आपनोति, तो हम इसको विच्छेद करके शांतिम अलग करेंगे, आपनोति अलग करेंगे, न काम कामी। तो यहाँ पर सिर्फ ऊपर वाले लाइन में और नीचे वाले लाइन में दो जगह संधि विच्छेद करना है। पहले लाइन में आपूर्यमानम अलग और अचल प्रतिष्ठम अलग, नीचे वाले लाइन में शांतिम अलग आपनोति अलग, बस इतना करना है, उसके बाद श्लोक हो जाएगा। आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम, रुकना, समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति माप्नोति न काम कामी। चार लाइन है तो चार बार तो रुकना ही है, ठीक है ना, चार बार तो रुकना ही है इसमें। तद्वत् कामा में भी आप थोड़ा सा विच्छेद की तरह लग रहा है, यानी आप तद्वत् कामा बोलेंगे, विच्छेद करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी एक जैसा ही दिखता है। तद्वत् कामा दो शब्दों से मिलकर बना है तद्वत् और कामा। ओके, तो अभी हम सीखेंगे